Orpington prognostic score, which is also known as Orpington prognostic scale, it is a means to measure the severity of stroke. It allows the clinicians and researchers to stratify the patients into the categories with good, intermediate, and poor prognosis. It has four subscales: motor deficit in the arm, proprioception, balance, and cognition. So the first component in Orpington prognostic scale is motor deficit in arm. जैसे कि हम नॉर्मली MMT मेजर करते हैं, MMT दैट इज़ मैनुअल मसल टेस्टिंग, विच इज़ अप्रूव्ड बाय MRC दैट इज़ द मेडिकल रिसर्च काउंसिल. हम पेशेंट के शोल्डर की MMT को चेक करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू द ग्रेड ऑफ MMT वी विल स्कोर द स्केल. नाउ फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक शोल्डर फ्लेक्शन, तो हम पेशेंट की शोल्डर फ्लेक्शन कराएंगे इन सुपाइन पोजिशन और उनका ग्रेड मेजर कर लेंगे. अगर पेशेंट की नॉर्मल पावर है दैट इज़ द स्कोर इज़ 0. अगर आपका MRC ग्रेड 4 आता है, यू विल ग्रेड इट 0.4. अगर अगेंस्ट ग्रेविटी पेशेंट अपनी मूवमेंट नॉर्मली करता है दैट इज़ MRC ग्रेड 3, तो आप उसको स्कोर करेंगे 0.8. ऐसे ही MRC ग्रेड 1 एंड 2 पे आप स्कोर करेंगे 1.2, और इफ़ देर इज़ नो मूवमेंट दैट इज़ MRC ग्रेड 0, तो आप स्कोर करेंगे 1.6. नाउ द सेकेंड कॉम्पोनेंट इज़ प्रोप्रियोसेप्शन. इस कॉम्पोनेंट को मेजर करने के लिए हम पेशेंट की आइज़ क्लोज करवाते हैं और पेशेंट अपने अफेक्टेड थंब को अपने दूसरे हैंड से लोकेट करता है. लेट अस कंसिडर माई राइट हैंड साइड इज अफेक्टेड. सो वॉट इज माई फर्स्ट सब स्केल? लोकेट्स अफेक्टेड थंब एक्यूरेटली. दैट इज आइज क्लोज करवाई, थंब रखा एंड उसको बोला लोकेट करो, और उसने एक्यूरेटली लोकेट किया. सेकेंड इज लोकेट्स द अफेक्टेड थंब विथ स्लाइट डिफिकल्टी. आइज क्लोज, थंब एट इट्स प्लेस एंड आप लोकेट कर रहे हो, तो उसने थोड़ी सी डिफिकल्टी दिखाई बट स्टिल ही इज एबल टू लोकेट द थंब. द थर्ड ग्रेड इज लोकेट्स द अफेक्टेड थंब वाया आर्म विच इज 0.8. थंब को लोकेट करने के लिए वो अपनी आर्म का सहारा लेते हुए आ रहे हैं एंड देन वो अपने थंब को लोकेट कर रहे हैं. एंड द फोर्थ ग्रेड इज अनेबल टू लोकेट द अफेक्टेड थंब विच विल ग्रेड एज 1.2, कि हमने थंब को एक पोजीशन पे प्लेस किया और पेशेंट उसको लोकेट कर ही नहीं पा रहे. इट हैज़ नो सेंस कि उनका थंब कहाँ पर है. द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज़ बैलेंस. इसमें हम पेशेंट से टास्क करवाते हैं बट द टास्क इज़ कि अगर वो एक कंप्लीट करते हैं तभी हम दूसरे पे जाएंगे. हम पहला करते हैं सिटिंग में. द पेशेंट इज़ आस्क्ड टू सिट इन अ हाई सिटिंग पोजिशन जिसमें उनके फीट अनसपोर्टेड हों. अगर वो उस पोजिशन में नहीं बैठ सकते देन द स्कोर इज़ 1.2. If he can maintain this position for 1 minute, the score is 0.8. ये task complete कर लिया तो we will move to the next task, that is standing position. Patient को खड़े होने के लिए बोलना है and without assistance. If he can maintain it for 1 minute, the score is 0.4. और उसके बाद अगर patient 10 feet का distance cover कर सकते हैं without any help or without any assistance, then the score is 0. द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज कॉग्निशन. इसमें हम पेशेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन अगर स्ट्रोक का पेशेंट है उसे एफेजिया, डिसआर्थ्रिया या कोई भी स्पीच डिसऑर्डर हो सकता है. अगर कोई स्पीच डिसऑर्डर है तो हम इनके आंसर्स उससे रिटर्न में ले सकते हैं. क्वेश्चंस में इंक्लूड कि पेशेंट की एज क्या है. टाइम हम उनसे पूछ सकते हैं कि आप अंदाज़ा लगाइए अभी क्या टाइम हो रहा होगा. एग्जैक्टली वो नहीं बता पाएंगे बट इतना तो बता सकते हैं कि शाम का टाइम है, दिन का टाइम है. फिर हम उन्हें इन क्वेश्चंस के बीच में एक एड्रेस मेमोराइज कराते हैं जो कि हम एंड में उनसे पूछते हैं. देन नेम ऑफ द हॉस्पिटल आप पूछ सकते हो, कोई भी ऐसे क्वेश्चंस. एवरी क्वेश्चन काउंट्स 1 पॉइंट. अगर उसने 10 के 10 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो स्कोर 0 होगा. 8 या 9 क्वेश्चंस बताए तो 0.4. 5 से 7 क्वेश्चंस उसने सही बताए तो 0.8. और अगर एक भी क्वेश्चन सही नहीं बताया या 4 क्वेश्चंस तक उन्होंने सही आंसर्स दिए तो आप स्कोर करेंगे 1.2. द टोटल स्कोर इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल दी स्कोर्स विद 1.6. अब जो भी हमारे पास स्कोर आएगा दैट इज उसको कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे. अगर लेस देन 3.2 आया है स्कोर, विच मीन्स द माइल्ड न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट और उसका प्रोग्नोसिस गुड होगा. अगर 3.2 से 5.2 के बीच में स्कोर आता है तो मॉडरेट न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट और इंटरमीडिएट प्रोग्नोसिस रहेगा. अगर स्कोर मोर देन 5.2 है दैट मीन्स कि सीवियर न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है और प्रोग्नोसिस पुअर होगा.